सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर नाइन को शुरू करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं। क्या होता है ये बीजीय व्यंजक? थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्यंजक को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। और बीजीय को क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक। और सर्व समीकाओं को क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। तो चलो अभी थोड़ा टेक्निकल जो भी है, लेकिन अपन पढ़ते हैं। और पढ़ते पढ़ते आपको देखना इतना इजी लगेगा कि कुछ है ही नहीं इजी। सबसे पहले आ जाओ, लास्ट अपने सेवेंथ क्लास में अपन ने थोड़ा पढ़ा हुआ है व्यंजक क्या है। व्यंजक यानी कोई एक्सप्रेशन होता है। जैसे क्या होता है, ये सभी व्यंजक है। जरा क्या, जरा लिख के देखते हैं। जरा सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी पेन खोलो, क्या क्या होता है जरा बोलो। ये x प्लस थ्री कुछ भी, 2y माइनस फाइव लिखते जाओ, 3x स्क्वायर। एक अभी अभी दो टर्म भी अभी अपन पढ़ेंगे सब। एक टर्म यानी एक पद, अभी जैसे इसमें ना ये एक और एक दो है। चलो अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं आज। चलो एक काम करते हैं, इसी से पढ़ते हैं। चलो ये मान लिया है एक है 4xy प्लस 7। ये सभी व्यंजक है। चलो पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। ये सभी व्यंजक है। अब इसमें यहां पर दो टर्म है तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं? अभी आगे पढ़ने वाले द्विपद। क्या कहने वाले इसको अभी पढ़ने वाले? द्विपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। और जिसमें एक टर्म है, जैसे मान लिया यहां पर एक टर्म क्या है, ये 4x स्क्वायर, आगे प्लस प्लस कुछ भी नहीं है। दूसरा मान लो, अकेला मान लो ये 3xy अकेला है। ये सभी कहलाते हैं एक पदी यानी कि मोनोमियल। जब दो का जोड़ी हो, दो का जोड़ हो तो बाइनोमियल द्विपद, तीन हो तो त्रिपद ट्राइनोमियल, और ज्यादा हो तीन से ज्यादा तो पॉलीनोमियल। वैसे तो एक के अलावा सबको ही पॉलीनोमियल कहते हैं, एक को भी कहते हैं। चलो अपन पढ़ते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये है व्यंजक, ठीक है? अभी अपन पढ़ रहे हैं। अभी इसमें जो है ना बच्चों, ये x जो है, ये y जो है, ये क्या कहलाता है? इसको यहां अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? चर। चर का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल यानी कि ऐसी संख्या, ऐसी अक्षर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। थोड़ा हिंदी में समझेंगे तो चर यानी चलने वाला, बदलने वाला। और उसका उल्टा क्या कहेंगे? अचर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। इंग्लिश भी याद करेंगे ना बच्चों तो अच्छा लगेगा। तो एक तो अपन ने पढ़ा वेरिएबल, एक पढ़ा कांस्टेंट, ठीक है? अच्छा, कहीं कहीं तो अपन ने देखा x अकेला है, कहीं कहीं अपन ने देखा यहां x y दोनों हैं। तो ये भी अपन आगे वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। एक चर वाला व्यंजक, फिर दो चर वाला व्यंजक। दो चर यानी दो वेरिएबल हो, x y हो सकता है, x y z p q r है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, l m n a b c कुछ भी लिखो। ऐसा ठेका नहीं है कि x और y होगा। चलो आगे चलें। अब थोड़ा थोड़ा चर और अचर समझ गए। अब आ रही है बात संख्या रेखा और व्यंजक। संख्या रेखा अपने पढ़ी हुई है, संख्या रेखा पे व्यंजक लगाना है। मान लिया कोई कह दे कि सर आप तो x प्लस फाइव को बताओ, तो संख्या रेखा वाला बताएगा कि यहां से यहां तक तो x है, क्योंकि x तो कुछ भी हो सकता है।
कोई एक्स की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, वो तो वेरिएबल है ना। आपने ही तो बोला है कि सर उसका वो चर है, वेरिएबल है, तो उसके आगे पांच जोड़ दीजिए, जहां पर भी एक्स हो उसके आगे पांच, सिंपल। अब कोई कहे सर जी मेरे को तो लेना 4x+5, ठीक है 4x कर देंगे, मान लिया ये x है तो इसको चार बार जंप कर देंगे, एक जंपिंग, दो जंपिंग, तीन जंपिंग, चार जंपिंग, यहां आ गया, यहां से पांच जोड़ देंगे, क्या बन गया 4x+5। एग्जाम में इसको बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, केवल अपने को समझने के लिए। कोई बच्चा अगर चाहे कि सर मुझे ये करना है सवाल, करें एक सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले x-4 कर लें बच्चों, ये लाइन खींच ली मैंने, ये जीरो है, यहां मान लेता हूं मैं एक्स है। अब -4 करना है तो मान लिया एक्स पता नहीं कहां है, तो इसके अगर जब 1, 2, 3, 4 मान लिया तो यहां से माइनस कर दो, ये एक माइनस किया, यानी सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये मान लेते हैं ये 4 है, ये मान लेते हैं ये 5 है, तो 5 के आगे मान लिया x है, तो x में से 4 घटा दीजिए तो यही कहीं होगा, ये आ जाएगा x-4। कहीं आगे घटाना है, कहीं 3x-2, तीन बार जंप करके -2 कर दो। तो ये तो हुई संख्या रेखा वाली बात, जो केवल समझने के लिए। अब अपन आ रहे हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जिसका क्वेश्चन आता है, जिसको समझना पड़ेगा। पद, गुणनखंड और गुणांक तीन नाम है। पद जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते जाओ, टर्म, अभी पढ़ने वाले एक पदी, दो पदी, तीन पदी पढ़ने वाले, गुणनखंड पढ़े हुए, गुणांक, ये गुणांक, ये गुणांक क्या चीज है अभी पढ़ने वाले। चलो सबसे पहले अपन पढ़ना शुरू करते हैं। एक नंबर व्यंजक लिखा हुआ है जिसका नाम है 4x+5। क्या लिखा है? 4x+5। अब इसमें दो पद है, क्या पद है? एक तो 4x है, एक दो, तो कितना हुआ ये? दो पदी, पहले तो ये समझ गए। अब गुणनखंड, इसका गुणनखंड हो सकता है 4 हो सकता है, x हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, तो ठीक है 4x गुणनफल दिसे, तो ये अलग अलग गुणनखंड हो जाए, ठीक है, तो फैक्टर अपने को मालूम है, गुणनखंड टुकड़े, स्वयं भी गुणनखंडों के रूप में बताए जा सकते हैं। अब अपन एक और चीज पढ़ने वाले हैं, गुणांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो यहां पर जो 4x+5 था ना, यहां पर x का गुणांक क्या होगा? 4, बस उसके आगे जो संख्या लिखी वो गुणांक। मान लिया एक संख्या 7xy-5x, कोई पूछेगा x का गुणांक क्या है, आप उत्तर क्या दोगे? -5। कोई पूछेगा xy का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 7, उसके आगे जो संख्या है वो गुणांक। कोई टेंशन नहीं, सिंपल है, इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। चलो कुछ करें, ये वाला एक व्यंजक है, इसमें प्रत्येक पद के गुणांक को पहचानिए। अब आ गया क्वेश्चन, सबसे पहले आ जाओ बच्चों, x²y² का गुणांक 1, -10x²y का गुणांक -10। अभी एक और बात है इसमें बताता हूं, 5x² का स्क्वायर का गुणांक 5, और -3 तो 20 तो खुद ही अचर संख्या, इसका गुणांक नहीं होता है। अभी ये समझ में आ रहा है? अभी ये समझ लो, आगे चल के कभी बड़ी क्लासेस में जाओगे, हायर लेवल पे कोई पूछेगा, फॉर एग्जांपल आपको पूछ ले कि यहां पर x²y² में y² का गुणांक क्या है, मान ले ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या करोगे?
ये तो कह देंगे ठीक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक तो वन है सब जानते हैं, लेकिन मैं पूछूं वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप क्या कहोगे एक्स स्क्वायर। बस ये एक नई चीज समझने की है, गुणांक है उस संख्या को छोड़ के जो वो सब गुणांक है। अपन आगे क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली में सारे आ जाएंगे। एक पदी द्विपदी वाली बात जिसमें केवल एक पद होता है वो एक पदी, ये सब एक पदी, दो होते हैं वो द्विपदी, ये सब दो दो पद वाले बाइनोमियल, जो होते तीन पद वाले ये रहे ट्राइनोमियल, बहुत सारे वाले पॉलीनोमियल, और वैसे एक या एक से अधिक जितने भी उन सबको पॉलीनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल भी पॉलीनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलीनोमियल, क्या बहुपद हिंदी में क्या कहते हैं बहुपद। चलो इनमें से जरा बताओ मेरे को, इसमें एक पद द्विपद त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करो। पहला ये क्या बताओ जल्दी बच्चों बताओ, क्या ये द्विपदी, ये क्या है बताओ त्रिपदी, y प्लस जेड प्लस 100 ये क्या है बच्चों त्रिपदी, ए बी माइनस ए सी जल्दी बताओ दो पदी, और 17 एक पदी। जितने टर्म है उतने पद हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना, अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। बस अभी थोड़ा थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा इजी इजी समझा रहा हूं। आगे एक और चीज आ रही है उसका नाम है समान और असमान पद। समान क्या होता है, अरे भाई जहां पर मान लिया एक्स अकेला जैसी संख्या है या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक वो कोई व्यंजक है, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहे वो सब समान है। अभी देखते हैं एग्जांपल करते हैं, समान पद कैसे हैं, जैसे यहाँ 7x 14x ये सब एक जैसे, क्योंकि यहाँ सब जगह एक्स 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 आ रहा है। ये दोनों समान क्यों है, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर, ये दोनों समान क्यों है क्योंकि दोनों में एक्स वाई आ रहा है। ठीक है, अब अपने को यहां जरा देखो ये वाला, ये दोनों समान है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक में तो x है और एक में y है। ठीक है सर, ये समान है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि x में तो x है x, एक में x y है। ठीक है, ये समान है क्या, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक जगह x है एक जगह x स्क्वायर। मतलब इतना सा है, x हो तो सब जगह x होना चाहिए, एक्स वाई हो तो एक्स वाई होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए। अभी वो भी क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा प्रश्नावली के अंदर। अब हो रहा है आ जाओ थोड़ा सा बीजीय व्यंजकों के योग और व्यकलन जोड़ना है। अब है थोड़ी सी मस्त चीज आ गई है, यहां अपने को ये दोनों को जोड़ना है। जैसे जोड़ लगाते हो ना, इकाई दहाई करते हो ना आप, यहां पर भी कर देंगे, तो यहां लिखे 7x² - 4x + 5 में जोड़ना है 9x और -10, जोड़िए उत्तर आ जाएगा 7x² के नीचे कुछ भी नहीं है, और ये प्लस का 9 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का क्या हो गया 5x, और ये आ जाएगा माइनस का 5, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब आगे एक क्वेश्चन आ रहा है उदाहरण नंबर 1। अब सब बच्चे तैयार हो जाओ, बस अभी तक मेरा लेक्चर जो था आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अब अपन क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब आपके सामने इन्होंने तीन पद दिए हुए, तीन व्यंजक दिए हुए हैं, और तीनों व्यंजकों को जोड़ना है। एग्जाम्पल नंबर 1, आ जाओ वापस से देख लो, जैसे मैंने लिखा है पहले इसको सारे क्वेश्चन को समझ लो, और मैं अपने हिसाब से सॉल्व करने वाला हूं और बहुत मजा आएगा।
पहला दिया 7xy plus 5yz minus 3zx, एक में xy है, एक में yz है, एक में zx है, दूसरे वाले में yz है, zx है और y है, अकेला y है, तीसरे वाले में xy है, zx है और x अकेला है। तो नीचे लिखने, समान समान पद को नीचे लिखने, या xy है ना बच्चों, इसके नीचे xy लिया, या माइनस था तो माइनस लिखो, यहां पर yz है, yz के yz लिखो, zx है उसके नीचे zx लिखो, जो निशान है वो निशान लिखो, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं अकेला पड़ रहा है उसको अकेला लिख दो, ये भी अकेला पड़ रहा है इसको अकेला लिख दो, बुक में देखो। ये पहला पद, पहला टर्म व्यंजक, ये दूसरा व्यंजक, ये तीसरा व्यंजक, पहले वाला लिखा 7x plus 5yz plus, ठीक है लिख दिया, दूसरा वाला yz के नीचे yz लिख दिया, zx zx लिख दिया, minus 4y को अलग लिख दिया, तीसरा वाला minus zx, minus xz, अब ये बेटर समझ लो, zx और xz दोनों आगे पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है, तो इसलिए ये सेम है zx, फिर क्या आया 5x, ये अलग लिख दिया, फिर माइनस 2xy यहां लिख दिया। एक बार सभी बच्चे लिख लो इसको, और मैंने लिख लिया, अब इसको जोड़ लगा लो, तो ये 7 माइनस 2 क्या बचा 5xy, ये 5 और 4 दोनों प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा 9yz, यहां पर माइनस थ्री प्लस का 9 है तो प्लस का 3 बचा, ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 4y, ये एज इट इज आएगा प्लस का 5x, ये अपना आंसर आ गया। हमने व्यंजकों को जोड़ दिया, समान समान को नीचे नीचे रखते गए, प्लस माइनस निशान के हिसाब से जोड़ लगा ली। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे, अब क्या करना है, 2 में अपने को घटाना है, अब पहले वाले में अपने क्या किया था, जोड़ा था, घटाते वक्त क्या करना है, घटाते वक्त क्या करेंगे, सबके नीचे निशान बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, बस जब घटाना है तो जिसको घटाना होता है उसके चिन्ह बदल दिए जाएंगे। तो अब अपन आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 करने के लिए, फिर प्रश्नावली आ रही है, ये एग्जाम्पल नंबर 2, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y में से आपको घटाना है, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3, बराबर है, गलत तो नहीं लिखा मैंने, सब जरा चेक कर लें, सही लिखा है, ठीक है, जहां जिसके नीचे समान समान को नीचे नीचे लिख दो, पहले तो x को यहां लिख दिया, एक्स वाई के नीचे कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, y² आ गया, x के नीचे कुछ भी नहीं है, y के नीचे y आ गया, 3 अकेला है, जिसको घटाना सारे निशान मैंने बदल दिए, ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, प्लस कर, अब ठीक है, अब ये आ गया 7 - 5 2x², इसके नीचे कुछ भी नहीं, एज इट जाएगा माइनस 4yxy, ये दोनों प्लस हो गए तो 12xy², ये यूं का यूं आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा माइनस का, ये दोनों माइनस, माइनस 9y और प्लस का 3, व्यंजकों को घटाया। आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, एक पद पढ़ लिया, दो पद पढ़ लिया, तीन पद ही पढ़ लिया, गुणांक पढ़ लिया, है ना, समान पद पढ़ लिया, समान पद पढ़ने के बाद जोड़ना सीख लिया, फिर आप घटाना भी सीख लिया। तो आ जाओ सब बच्चे तैयार होके प्रश्नावली 9.1, अब जब सवाल करेंगे ना सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बस मैथमेटिक्स का पता है फॉर्मूला क्या है सीखने का, बस क्वेश्चन करते चले जाओ, प्रॉब्लम्स करते चले जाओ। आ जाओ पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों और गुणांकों को पहचानिए।
पहला है दो पदी, तीन पदी, तीन पदी, चार पदी, तीन पदी, त्रिपदी, और ये भी त्रिपदी। लिख लोगे, लिख लोगे सारे के सारे पद लिख लेना। पहले पद पढ़ लिए, फिर गुणांक लिखें। गुणांक लिखना आप फाइव और माइनस थ्री, ये गुणांक के प्लस वन और प्लस वन, ये फोर माइनस फोर और वन, यहाँ है थ्री थ्री माइनस वन प्लस वन माइनस वन। समझ में आ रहा है क्या? माइनस पी क्यू है, माइनस पी क्यू है, इसको जरा यहां लिख लो। ऐसा करते हैं, इसको अलग लिखते हैं। चलो एक मिनट, बुक खोलिए सारे बच्चे, सारे बच्चे अपनी बुक खोल के, रफ कॉपी खोल के तैयार हो जाओ। यस, आ जाओ। यस रेडी। क्वेश्चन नंबर वन का वन करेंगे। पहला, 5xyz² - 3zy में गुणांक है 5 और -3, बस आंसर। दूसरा, 1+x+x² गुणांक है 1, x का गुणांक लिख सकते हो, x का गुणांक 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1। तीसरा लिखोगे 4x²y² - 4x²y²z²+z²। तो लिखोगे x²y² का गुणांक 4, x²y²z² का गुणांक है -4 और z² का गुणांक है 1। ठीक है, तो यहां पर बताओ मेरे को, यहां पर क्या आएगा? इसका गुणांक बोलते जाओ 1/2, 1/2 और -1, सही है। इसका गुणांक बोलते जाओ जरा 0.3, -0.6 और 0.5। अब तो बहुत इजी है ना, केवल गुणांक है, कोफिशियंट, ऊपर जो संख्या लिख आ रही है वो लिख दो, और प्लस माइनस का चिन्ह निशान लगाना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में नहीं आता है, किसी में भी नहीं आता है, जो तीन से भी ज्यादा हो? तो एक पदी दो पदी करना है। चलो आ जाओ सब बच्चे, क्योंकि वहां नहीं, अपन अलग करते हैं। चलिए, x+y द्विपदी, 1000 एक पदी, x+x²+x³+x⁴ चार पदी है, इसे तीनों में नहीं आता है, एक पदी भी नहीं है, द्विपदी भी नहीं है, त्रिपदी भी नहीं है, चार पदी है। चलो तीसरा करो, 7+y+5x त्रिपदी, त्रिपदी है ना, 2y - 3y² दो पदी, 2y - 3y² + 4y³ त्रिपदी, तीन पद, 5x - 4y + 3xy त्रिपदी, सिंपल है, सब सिंपल है, 4z - 15z² दो पदी। अब आ जाओ, ए बी
प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चार पदी, तीनों में नहीं आ रहा है, एक तीनों एक पदी द्विपदी त्रिपदी में नहीं, अलग है ये। पी क्यू आर एक पदी, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर दो पदी, लास्ट भी कर लो, टू पी प्लस थ्री टू टू क्यू दो पदी, ठीक है, सिंपल है ना आप तो, चलो आगे। ओके, तो मैंने अभी अभी क्या किया, इन सब की जो है ना पद निकाल दिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म, वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म पॉलीनोमियल वगैरह वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाओ, अब अपने को कुछ काम की चीजें करेंगे, योग निकालेंगे, जोड़ना सीखेंगे। आ जाओ, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी, जोड़ते क्या लिखा है, ए बी, ए बी माइनस बी सी, फिर दूसरा क्या, बी सी माइनस सी ए, तीसरा क्या, सी ए माइनस ए बी, जोड़ो, ए बी ए बी कट रहा है, बी सी कट रहा है, सी ए कट रहा है, आपस में कट रहा है, आंसर आएगा जीरो। पहले का उत्तर हो गया जीरो, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, पहला क्वेश्चन आंसर जीरो। दूसरा क्वेश्चन करो, करो ट्राई क्वेश्चन नंबर टू। दूसरा क्वेश्चन अपने अपनी कॉपी में शुरू कीजिए, लिखिए। राइट डाउन इन योर कॉपी, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी है, ये बी माइनस बी सी है, अब जरा इसको कैसे लिखना है, समान समान पद के नीचे लिख देना है, तो जरा इधर लिख के देखते हैं अपन क्या लिखा है, जरा मैंने ऑलरेडी कर लिया है, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी प्लस ए बी, दूसरा क्या है, b माइनस सी प्लस बी सी, तीसरा क्या है, माइनस a फिर प्लस का c और प्लस का ए सी, अब इसको जोड़ लगानी है, वापस से देखो, a माइनस, यह जगह नहीं है, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर b माइनस सी प्लस बी सी, फिर c या c माइनस a और प्लस ए सी नया है, ये ऐसे लिखना पड़ता है, c के नीचे c, a के नीचे a, b के नीचे b, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, करो। ये कट गया, ए में से ए कट गया, बी में से बी कट गया, सी में सी, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सी ए और ए सी ए की बात है, बार बार नहीं बोलूंगा, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये आया क्वेश्चन नंबर टू, थ्री को करके देखते हैं, इस दो टर्म है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, माइनस का पी क्यू दिखे, ये दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी सेम सेम पद है, समान समान पद है, तो समान समान को नीचे लिख देते हैं। पहला वाला दिया है टू पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर, दूसरा वाला पी स्क्वायर के नीचे क्यों नीचे माइनस का थ्री है, तो माइनस थ्री लिखो, प्लस सेवन पी क्यू है, प्लस का फाइव है, ठीक है, बड़ा माइनस है ना बच्चों, या माइनस का पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो जहां माइनस है वहां माइनस लिखना मत भूलना। अब जोड़ लगानी है, जोड़ में चिन्ह बदलेंगे नहीं, ये दो प्लस का ये तीन माइनस का, तो माइनस बचा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ गया प्लस फोर पी क्यू, दोनों को ये नहीं, ये अपना आंसर आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है अब तो,
समान पद के नीचे समान पद लिखो, जोड़ लगा लो। एक और क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का आया, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसको चार पद, वाह भाई वाह, चार पदों को जोड़ना है, ठीक है। पहला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर उसके नीचे लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि एन के नीचे अलग लिखा, फिर ये तीसरा है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वापस नीचे नीचे लिख दिया, चौथा तो अलग ही है टू एल एम प्लस टू एम एन टू, इसको अलग लिख दिया, अब दोनों को जोड़ दिया, तो टू एल स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट उतार दिया, तो आंसर क्या आ गया, सबको अगर टू कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बस करना क्या है, समझ में आ रहा है ना, समान पद के नीचे समान पद लिख देना है, जोड़ लगा लिया। अब थोड़ा घटाने वाले सवाल भी करने वाले हैं, जो चौथा सवाल है क्वेश्चन उसमें थोड़ा घटाने वाले हैं, चलो घटाने वाले में कुछ नहीं है, बस चिन्ह बदलने हैं, बस कुछ नहीं करना है, समान के नीचे समान यहां भी लिखना है, समान पद के नीचे समान पद और घटा देना है चिन्ह बदल के। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, 12 ए माइनस 9 बी प्लस भी ये दिया हुआ है, इसको घटाना है, 4 ए प्लस का है माइनस का 7 ए भी है, जो निशान है पहले लिख दिया, फिर सारे निशान बदल दिए। अब ये तो प्लस का था और ये माइनस का, तो प्लस का 8 है, जब प्लस होता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको लिखना जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस है, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस 2 बचा, ये प्लस का ये माइनस का प्लस का 2 बचा, ये माइनस 3 ये भी माइनस, तो माइनस का 15, ठीक है, आंसर आया कि नहीं आया, जरा चेक करो, जरा चेक करो आंसर आया कि नहीं आया। समान पद के नीचे समान पद लिखना मत भूलना, यहां पर गड़बड़ कहां करेंगे बच्चे, देखो क्या होता है, यहां मान लिया 12 ए है माइनस 9 सेम, यहां तो 9 ए बी है प्लस 5 बी है प्लस माइनस का 3 है, तो 4 ए के नीचे 4 ए आ जाएगा, माइनस 7 ए बी आ जाएगा, प्लस 3 बी आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, बस चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें से इसको घटाना है, फाइव एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स प्लस 10 एक्स वाई जेड में से घटाना, 3 एक्स वाई प्लस 5 वाई जेड माइनस 7, ठीक है, लिख दिया सबके नीचे, निशान बदल दिया, अब ये प्लस का ये माइनस का क्या बचा, 2 एक्स वाई, ये दोनों माइनस के हो गए माइनस 7 वाई जेड, ये एक माइनस का एक प्लस का हो गया, तो प्लस का 5 जेड एक्स, और इसको एज इट उतार दिया, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन भी करोगे, इसमें से इसको घटाना है, वाह भाई वाह। अब इसमें जरा ये 18 को जरा इधर लिखा है, 3p ऐसे 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 लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, या 10 लिखा है या 18, सबसे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अपने को तो समान पद के नीचे समान पद लिखना है। ये लिख दिया मैंने पहला वाला, समान पद के नीचे समान पद लिखो, ये माइनस का 10 बराबर लिखा है, माइनस 8p प्लस का 7q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q बराबर है, सबके निशान बदल दिए, बदल दिए, लगा दो जोड़, क्या बचा, प्लस का 8, यहां क्या हुआ प्लस माइनस का, यहां ये क्या चक्कर है, गड़बड़ है ना बच्चों,
ये माइनस का 3p और ये माइनस का, इसको जब प्लस किया तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए यहाँ पे। देखो जरा कहीं गलती तो नहीं उतारा, माइनस 8p है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहां मुझसे गलती हुई है, क्या आना था, क्या आना था, प्लस का 5p। चेक करना, गलती हो जाती है। ये दोनों माइनस, माइनस 18 हो गया, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, और ये एक प्लस एक माइनस, यानी प्लस पी स्क्वायर। ठीक है आंसर, जरा चेक कर लो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारी प्रश्नावली हो गई 9.1। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं गुणन के बारे में, फिर अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बीजीय व्यंजकों के गुणन कुछ भी नहीं, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल गुणा करना होता है, गुणा तो अपन को आता है। मान लिया आपको कोई कहे 4 × 3x करना है तो फटाक से हो जाएगा 12x। बस कोई कहे आपको कि x × 3y करना, करो x × 3y तो 3xy। आपको कहे 5x × 3y तो क्या लिखोगे, 15xy। अब आपको लिखे कोई ऐसे मल्टीप्लाई करो 5x − 3y तो −12 आ जाएगा, 15xy। सिंपल है। अगर ऐसा गुणा हो तो क्या करोगे बताओ, ये हो जाएगा 20x³। बस ये जरा सीखने वाली बात है, ये जरा सीखने वाली। अब ये अपन थोड़ा सीखेंगे, ये सीखते हैं 5x × 4x² ये करो। तो इसको लिखेंगे 5 × 4 × x 1 + 2, क्योंकि अपने को पता है पावर जुड़ता है। तो ये हो गया 20x³। देखो ये मैं स्टेप टू स्टेप कर रहा हूं, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डायरेक्ट कर पाओगे आप। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा क्या करोगे, 5x − 4xyz क्या करोगे, 5 × 4 पहले तो कर लो, तो माइनस का 20 आ गया, फिर x का स्क्वायर हो गया बच्चों, और yz एज इट इज है। तो जरा देखो ये आया क्या, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जरा प्रैक्टिस की, कुछ कुछ भी नहीं है। ये जरा एक उदाहरण दे रखा है, इसको भी देख लो। जिस वाले उदाहरण को क्या लिखा है, 2x × 5y + × 7z क्या करोगे इसको, से 2 × 5 को ले लो, 2 × 5 × 7 ले लो, फिर xyz आपस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10 और 70xyz आंसर। इसको डायरेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हो, करो, इसको कर लेते हैं। क्या लिखा है, बुक खोलनी पड़ेगी, 4xy + 5² x² + × 6x³y³। इस क्वेश्चन को अभी मैं यहां पर इसको आपको अभी प्रैक्टिस के लिए रोक रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में जब अपन जाएंगे तो सारा सिस्टमेटिक वापस से आपको मैं मल्टीप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, और सारे अपन उदाहरण भी करेंगे, और उसके बाद प्रश्नावली 9.2 के सवाल करेंगे। तो गुणा वाले अभी अपन ने जोड़ और बाकी, जोड़ और घटाना सीखा है, गुणा अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको सॉल्व कर लें, और नेक्स्ट क्लास में हम गुणा करना सीखेंगे। ओके।